स्वागत है एक बार फिर आपका ईएन हिंदी पर। आज है 23 दिसंबर 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूले। तेज है आज की सबसे बड़ी खबरें। आजादी का अमृत महोत्सव, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर राष्ट्रीय समिति की बैठक में वर्चुअल हुए शामिल। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अमृत महोत्सव की राष्ट्रीय समिति की बैठक में वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी का अमृत महोत्सव की राष्ट्रीय समिति की दूसरी बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मंडी से बैठक में वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। आजादी का अमृत महोत्सव पिछले 75 वर्षों के दौरान भारत की ओर से विभिन्न क्षेत्रों में की गई प्रगति का जश्न मनाने और अपनी उपलब्धियों पर गौरव करने का उत्सव है। जेसीसी बैठक के बिंदुओं पर विभागीय टिप्पणी, 3 भत्तों को बढ़ाने पर नया वेतनमान लागू होने के बाद ही निर्णय। कर्मचारियों के प्रतिपूरक राजधानी और आवासीय भत्ते को बढ़ाने की मांग पर नया वेतनमान लागू होने के बाद ही निर्णय होगा। विभिन्न विभागों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों को भरा जाएगा। कर्मचारियों को 4, 9, 14 वेतनमान देने का मामला वित्त विभाग को भेजा है। कर्मचारी महासंघ ने इस योजना को दोबारा लागू करने का मामला उठाया है। सरकार के जल शक्ति विभाग और अन्य विभागों के प्रतिनिधियों ने यह मामला उठाया कि कुछ विभागों को बाहर रखा गया है, इसमें रिकवरी भी जुड़ी है। ये उल्लेख 27 नवंबर को हुई संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक के बिंदुओं पर विभागीय टिप्पणी में हुआ है। इन्हें बुधवार को राज्य सरकार के वित्त विभाग ने जारी किया है। हिमाचल में 2 दिन भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट, 28 दिसंबर तक खराब रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में ताजा पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम बदलने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश में 25 और 26 दिसंबर को भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मैदानी व मध्य ऊंचाई वाले भागों में 24 दिसंबर तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है, जबकि उच्च पर्वतीय भागों में कुछ स्थानों पर बारिश बर्फबारी हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी साप्ताहिक मौसम बुलेटिन के अनुसार 23 और 24 दिसंबर को प्रदेश के ज्यादातर भागों में बादल छाए रहने की संभावना है। इस दौरान शिमला, किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा, कुल्लू और आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश बर्फबारी हो सकती है। 10 से 15 जनवरी तक ग्रीष्मकालीन स्कूलों में छुट्टियां देने के पक्ष में महासंघ। हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ ने 10 से 15 जनवरी तक ग्रीष्मकालीन स्कूलों में छुट्टियां देने की मांग की है। महासंघ ने सरकार को पत्र लिखकर दिसंबर में छुट्टियां नहीं देने का स्वागत करते हुए 3 से 8 जनवरी तक दी गई छुट्टियों को लोहड़ी पर्व के दौरान देने की वकालत की है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ के सचिव पवन मिश्रा और हिमाचल शिक्षक महासंघ के नवनिर्वाचित प्रांत अध्यक्ष पवन कुमार और प्रांत महामंत्री डॉक्टर मामराज कुंडीर ने कहा है कि इस समय पाठशालाओं में पठन पाठन का माहौल बहुत ही बेहतर तरीके से चला है। ये माहौल कुछ और दिनों तक इसी तरीके से चलना चाहिए ताकि बच्चों के सिलेबस को पूर्ण किया जा सके। पढ़ाई में जो कोविड-19 की वजह से व्यवधान पड़ा है उसकी भरपाई की जा सके। बड़ी खबर, ओमिक्रॉन के खतरे के बीच बिलासपुर में एक साथ स्कूल के 23 छात्र पॉजिटिव। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच बिलासपुर जिले के एक स्कूल में एक साथ 23 विद्यार्थी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे अभिभावकों के समक्ष अपने बच्चों की सेहत की चिंता बढ़ गई है। हालांकि बच्चों में कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन बावजूद इसके एहतियात के तौर पर इन सभी संक्रमित बच्चों को होम आइसोलेट कर दिया गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी बिलासपुर डॉक्टर प्रवीण कुमार ने स्कूल का विजिट कर स्कूल प्रबंधन से ताजा स्थिति का जायजा लिया। बहरहाल शिक्षा विभाग ने तत्काल प्रभाव से सरकारी गाइडलाइन के आधार पर स्कूल को अगले 48 घंटों के लिए बंद कर दिया है। सीएमओ डॉक्टर प्रवीण कुमार ने कहा कि राजकीय उच्च पाठशाला दलेग में 23 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। शिक्षा विभाग की टीम के साथ स्कूल का दौरा भी किया गया है। एचपीयू में नहीं थम रहा हिंसा का दौर, फिर भिड़े स्टूडेंट्स, 10 छात्र हिरासत में। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार दूसरे दिन हिंसा भर की बुधवार सुबह राजधानी शिमला में स्थित एचपीयू के गेट के पास समरहिल चौक पर फिर से एबीवीपी और एसएफआई कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। इस घटना में एबीवीपी के 2 कार्यकर्ताओं को चोटें आई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभाला और दोनों गुटों को अलग किया। जानकारी के अनुसार जब पुलिस कर्मी छात्रों को अलग थलग कर रहे थे, उस वक्त एबीवीपी कार्यकर्ता पुलिस के साथ उलझे। क्यूआरटी के जवानों और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की हुई। दोनों पक्षों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और तफ्तीश की जा रही है। शिमला के डीएसपी कमल वर्मा ने बताया कि सुबह के समय एचपीयू में 2 गुटों में मारपीट की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। उन्होंने कहा कि कुछ छात्रों को नामजद किया गया और
दोनों गुटों के करीब 10 छात्रों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। बैठक में फैसला, हिमाचल में 400 आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को स्तरोन्नत करने का लक्ष्य। राज्य सलाहकार बोर्ड प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग की प्रथम बैठक में वर्ष 2023-24 तक 400 आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों को स्तरोन्नत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए योग शिक्षक तैनात किए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने ये जानकारी बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी है। उन्होंने कहा कि आयुष विभाग के 135 आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों में अंशकालिक रूप से आउटसोर्स आधार पर योग प्रशिक्षक तैनात करने का निर्णय लिया गया है। राजनीति, कांग्रेस काले दिवस के तौर पर मनाएगी हिमाचल सरकार के 4 साल का जश्न। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस तैयारियों में जुट गई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 4 दिन तक चलने वाले राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान पहले दिन कई नेता व पदाधिकारी जुटे। प्रदेश भर से कांग्रेस के पूर्व विधायक, जिला अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान महिला पदाधिकारियों की भी 40% भागीदारी देखने को मिली। कार्यक्रम का शुभारंभ बुधवार को त्रिलोकपुर में प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर व पूर्व PCC अध्यक्ष कोल सिंह ठाकुर ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश का संचार किया, वहीं प्रदेश की भाजपा सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जहां सरकार 27 दिसंबर को अपने 4 साल का जश्न मनाने जा रही है, वहीं कांग्रेस इस दिन को काले दिवस के रूप में मनाएगी। राज्य सहित जिला स्तर पर प्रदर्शन कर कांग्रेस पार्टी प्रदेश सरकार की 4 साल की कारगुजारी को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगी। कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह की तबीयत बिगड़ी, नेर चौका अस्पताल में भर्ती। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह की तबीयत अचानक बिगड़ गई। नेर चौक मेडिकल कॉलेज में उनका उपचार चल रहा है। बताया जा रहा है कि वे पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने जा रहे थे। फिलहाल उनकी तबीयत ठीक बताई जा रही है। डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ उपचार में जुटा हुआ है। हिमाचल हाईकोर्ट का फैसला, परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण 1 महीने में स्थापित करे सरकार। प्रदेश उच्च न्यायालय ने सरकार को 1 महीने के भीतर परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापित करने के आदेश दिए है। हाईकोर्ट ने हैरानी जताई कि न्यायालय के बार बार पारित विभिन्न आदेशों के बावजूद सरकार ने अभी तक एक स्वतंत्र राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापित करने का निर्णय नहीं लिया है। 4 वर्षों से मामले को टाला जा रहा है। हाईकोर्ट ने कहा कि कानून सचिव ट्रिब्यूनल के आध न्याय कार्यों का निर्वहन नहीं कर सकती है। उनके लिए राज्य के कानून सचिव के रूप में काम करते हुए ट्रिब्यूनल की अध्यक्षता करना कठिन हो रहा है। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश सबीना की खंडपीठ ने कहा है कि सरकार के लिए कानून ये जरूरी है कि वे राज्य के लिए कार्यभार के आधार पर ट्रिब्यूनल के गठन को अधिसूचित करे। रिश्वतखोर फरार SHO की गाड़ी से चिट्टा बरामद, पुलिस विभाग ने किया सस्पेंड। रिश्वत लेने के आरोपों से घिरे नादौन थाने के फरार चल रहे SHO नीरज राणा की गाड़ी से चिट्टा बरामद हुआ है। गाड़ी की तलाशी के दौरान आरोपी के पर्स से पुलिस को 0.8 ग्राम चिट्टा मिला है। वहीं पुलिस महकमे ने आरोपी को निलंबित कर दिया है। बुधवार के दिन आरोपी की बरामद की गई गाड़ी से साक्ष्य जुटाने के लिए फोरेंसिक टीम पहुंची थी। रफ्तार पकड़ रहा है ओमिक्रॉन, देश में 213 से अधिक मामले। प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे अधिकारियों से बैठक। देश में कोविड के नए वेरियंट ओमिक्रॉन के 15 राज्यों में कुल 213 मामले सामने आए हैं, जिनमें 90 को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बुधवार को बताया, दिल्ली में ओमिक्रॉन के सर्वाधिक 57 मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में 54 व्यक्ति ओमिक्रॉन से संक्रमित मिले हैं। पूर्व मंत्री कोल सिंह बोले, विधानसभा चुनावों में 3/4 बहुमत से सरकार बनाएगी कांग्रेस। प्रदेश में भाजपा की डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से विफल हो गई है। जयराम सरकार के 4 वर्ष पूरे होने को है। इस दौरान कोई बड़ा संस्थान या प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री केंद्र से नहीं ला पाए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 दिसंबर को जिन योजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण करने आ रहे हैं, वे पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में स्वीकृत हुए हैं। ये बात बुधवार को नान में पत्रकार वार्ता में पूर्व मंत्री एवं पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कोल सिंह ठाकुर ने कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में नाहन, चंबा, हमीरपुर और मंडी में मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। सिरमौर जिले में IIM खुला है। मुख्यमंत्री यदि प्रदेश का सही मायनों में विकास करवाना चाहते तो कुल्लू या किसी अन्य जिले में मेडिकल कॉलेज खोलकर दिखाए। केंद्र और प्रदेश सरकार महंगाई पर रोक लगाने में नाकाम रही है। उल्टा प्रधानमंत्री ने रेलवे, हवाई अड्डे अडानी और अंबानी को भेज दी है। हिमाचल में 23 विद्यार्थियों समेत 62 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव,
तीसरी लहर को लेकर विभाग चौकस। हिमाचल प्रदेश में बुधवार को 24 विद्यार्थियों समेत 62 लोगों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 23 विद्यार्थी जिला बिलासपुर के एक सरकारी स्कूल के है, एक मंडी जिले के एक स्कूल का विद्यार्थी है। स्कूल में एक साथ इतने मामले आने से जिले में हड़कंप है। स्वास्थ्य विभाग ने इन विद्यार्थियों को 14 दिन तक आइसोलेट रहने के लिए कहा है। उधर बुधवार को बिलासपुर में 65 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मौत हुई है। फरवरी में कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावना, विभाग चौकस। हिमाचल में फरवरी 2022 में कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावना है। सरकार ने इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग को चौकस और अस्पतालों में इंतजाम करने की बात कही है। मंडी में सेकंड ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सब अस्पताल पर आने वाले लोगों की रैंडम सैंपलिंग करने के निर्देश दिए है। कार्यक्रम में 1,00,000 लोगों के आने की संभावना है। खबर फॉरेस्ट भर्ती से 47,500 अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा, 49 बने फॉरेस्ट गार्ड। हिमाचल प्रदेश के फॉरेस्ट सर्कल धर्मशाला के तहत जिला कांगड़ा फॉरेस्ट गार्ड भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। वन विभाग धर्मशाला की ओर से बुधवार को जारी की गई रिजल्ट के तहत जिला के 49 उम्मीदवारों को फॉरेस्ट गार्ड के रूप में चयनित कर लिया गया है। जिला कांगड़ा में 30,000 से अधिक युवाओं ने फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के लिए आवेदन किया था, जिसमें 7 नवंबर को लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया था। और बिलासपुर से विद्यार्थी को लोगों की रोड और लात घूसों से पीटा, 4 आरोपी छात्रों को स्कूल से निकाला। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल धुंदन के बाद कुछ विद्यार्थियों ने एक निजी स्कूल के छात्र की निर्मम पिटाई कर डाली। सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों ने 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले निजी स्कूल के छात्र का रास्ता रोका और उसे लोहे की रोड से पीटा, साथ ही लात घूसों की बरसात कर दी। उधर पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। बच्चों के आपसी झगड़े का ये वीडियो वायरल होने के बाद 11वीं कक्षा के 12वीं कक्षा के 3 विद्यार्थियों को स्कूल से निकाल दिया गया है। इसकी पुष्टि विद्यालय के प्रधानाचार्य सरताज सिंह राठौर ने की है। बागवानी विभाग में सब्सिडी घोटाला, वरिष्ठ सहायक ने पत्नी और बेटे के नाम केस बनाकर हड़पे 3,20,000 रुपए। हिमाचल प्रदेश के बागवानी विभाग में सब्सिडी घोटाला सामने आया है। बागवानी विभाग के एक वरिष्ठ सहायक ने मधुमक्खी पालन के लिए अपने बेटे और पत्नी के नाम से 2 केस बनाकर 3,20,000 रुपए की सब्सिडी हजम की है। बागवानी निदेशक द्वारा बिठाई गई प्रारंभिक जांच में इसकी पुष्टि हो गई है। संयुक्त निदेशक बागवानी की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने मंगलवार को जांच रिपोर्ट बागवानी निदेशक डॉक्टर आर के पूर्ति आईएएस को सौंप दी है। रिपोर्ट मिलने की पुष्टि बागवानी निदेशक ने कर दी है। महंगाई 40% तक महंगी होगी रासायनिक खादें, किसानों बागवानों में रोष। हिमाचल प्रदेश में रासायनिक खादों के दाम बढ़ गए हैं। किसानों और बागवानों ने कीमतों के बढ़ने पर सरकार के प्रति रोष व्यक्त किया है। पहले ही चौतरफा महंगाई की मार झेल रहे किसानों और बागवानों की परेशानी और बढ़ा दी है। रासायनिक खादों के दामों में 40% तक वृद्धि हुई है। करसोग में गेहूं, नकदी फसल और सेब के बगीचों में पोटास सहित 12, 32, 16 का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में रासायनिक खाद के भाव में हुई बढ़ोतरी से किसानों की जेब और अधिक ढीली होगी। नए दाम के अनुसार 12, 32, 16 खाद 315 रुपए तक महंगी होगी है, यानी जीएसटी के साथ अब किसानों को यही खाद 1450 रुपए प्रति बैग मिलेगी, जबकि इस खाद की कीमत पहले 1135 रुपए प्रति बैग थी। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल ईएन हिंदी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में आप कहां से हो, आप अपने जिले का, अपने स्थान का नाम हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो का हमेशा की तरह लाइक कर दीजिएगा और कम से कम एक व्हाट्सएप ग्रुप पर इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर पा सकें।